देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की पुलिस को स्वाट टीम के साथ कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने एक अवैध रूप से हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए कुछ हथियारों को बरामद किया है, जिसमें आपको बता दें 44 अवैध हथियार, 34 जिंदा व 4 खोखा कारतूस के साथ शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पाई गई है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम के साथ कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र बनाने के कारखाने पर छापामार कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, वहीं पर 11 अवैध पिस्टल, 21 तमंचे, 8 अदद तमंचे, 4 राइफल, 1 पोनी राइफल और 34 जिंदा कारतूस और शस्त्र बनाने प्रयोग में आने वाले विभिन्न उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार आरोपी पूर्व समय में मेरठ में सख्त काम बनाने का कार्य करते थे, परंतु पुलिस की भनक लगने के चलते इन लोगों ने बहादुर गढ़ क्षेत्र में उपकरण बनाने का कार्य शुरू कर दिया और इनकी बड़ी बड़ी कंपनियों से संबंध है। ये लोग 70,000 से 80,000 में पिस्टल और 2,000 से 10,000 तक की तमंचे की बिक्री करते हैं और इनकी तार काफी दूर दूर तक फैले हैं। इनके सहयोगी का नाम पूछताछ करने में प्रकाश में आए हैं, इन्हें अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी प्रकाश में आई मेरठ की कुछ व्यक्तियों को सील किया गया है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए हापुड़ से मनीष कुमार की रिपोर्ट। और जिले की थाना बहादुरगढ़ की टीम और एसओजी की टीम, इन दोनों ने मिलकर के एक गैंग का अनावरण किया है। ये गैंग अवैध असलों में डील करता है। ये सूचना पे हम लोग लगभग पिछले 1-1.5 महीने से लगे हुए थे। धीरे धीरे सूचना हम लोग गैदर कर रहे थे कि ये कौन सी टीम है जहाँ से हमें क्षेत्र में असला सप्लाई करने का कारोबार हो रहा है। बहादुरगढ़ में एक एजेंट के थ्रू हम लोग और भी ऊपर बढ़ पाए। बढ़ते बढ़ते एक चेन पूरी हमने गैदर की, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 4 में से एक एजेंट है जो यहाँ सप्लाई करता है, एक जो किंगपिन है नावेद, ये बुलंदशहर जिले का रहने वाला है। इसके अलावा 2 और लोग हैं जो मेरठ जिले में भी काम करते हैं और अपने यहाँ भी ये फैक्ट्री सेटअप करने की फिराक में थे। तो कुछ सामान यहाँ बरामद किया है, कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इनकी मेरठ में है स्थापित, वहां उसे भी सील किया गया है। एक बड़ी फैक्ट्री जो कि बड़ी बड़ी मशीनें हैं जहां पे, उसे सील किया गया है। ये पूरा गैंग पिस्टल, तमंचे और राइफल, इन सभी में डील करता है। ऑन डिमांड ऑर्डर बनाए जाते हैं। टोटल रिकवरी हमारी 11 पिस्टल है, 21 तमंचे हैं, 4 राइफलें हैं, अगबने तमंचे भी हैं और जो सामग्रियां हैं बनाने की वो है और कारतूस है। ये जो पूरा गैंग है, इन्होंने बहुत सप्लाई किया है। जो इनसे पूछताछ से पता चला है, हम उसको भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। उनके हमने नाम पते लिखवाए हैं। अब इसमें से ये सूचना कितनी ऑथेंटिक, कितनी ऑथेंटिक नहीं है, ये तभी पता चलेगा जब हम इस पर और डिटेल काम करेंगे घुस करके। इस पूरे नेटवर्क को क्रैक करने के लिए हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और इसके लिए हम इन्हें इनाम भी दे रहे हैं। सर, बताया जा रहा है जो इसमें अभियुक्त है नवीद पठान, प्रगतिशील पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है वो किस पार्टी जुड़े हुए हैं। मैं ऑफिशियल मैं आपको कोई वर्जन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इसमें उनका उसका हाथ है और एक सरगना की तरह वो इसमें एक्ट कर रहा था। जितनी हथियार बरामद किए गए तो कहाँ कहाँ हथियार सप्लाई होते थे? देखिए, ये जो हमारे क्षेत्र में आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों में सप्लाई होता है, मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, ये जो पूरा एनसीआर क्षेत्र है एज फार एज अलीगढ़, इनके तार जुड़े हुए हैं और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर की भी बातें आई हैं। बिल्कुल पुष्टि कर पाना कि एग्जैक्टली कहाँ का इन्होंने बेचा है वो और पूछताछ करने के बाद पता चलेगा। वो पूरी लिस्ट बनेगी और उससे फिर हम रिकवरीज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो आपको जानकारी हम दे सकते हैं वो ये है कि ये लोग ये हथियार मेरठ और यहाँ दोनों मिलकर के बनाने की फिराक में थे। मेरठ में इनकी हेवी मशीनरी की एक कोई फैक्ट्री पकड़ी गई है और यहाँ पे वो सामान स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले मिड स्टेज में इनको नैप कर लिया गया है, इनकी गाड़ियों से इतने असले बरामद किए गए हैं। तो ये एक बड़ा गैंग है और ये बड़े कारनामे करता है। इसके लिए हम लोग और भी प्रयासरत हैं कि विवेचना करके और भी नाम निकाले जाए। थैंक यू। हथियारों की कीमत, ये जो पिस्टल्स है बहुत महंगे हैं, जो
हम लोगों ने मुखबिर के तौर पे भी एक आध पिस्टल खरीदने की कोशिश भी की। आप देख रहे हैं